नमस्कार दोस्तों, जी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में तमाम ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कुछ भी समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सी बात लगती है। ऐसे मंदिरों और अन्य स्थानों का हमने कई बार जिक्र किया है, उन्हीं के बीच आज हम आपको भारत के प्रमुख कुंडों के बारे में जानकारी देंगे। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो भारत के कुछ ऐसे कुंड हैं जिनका पानी सालों साल गर्म रहता है। कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़े, इन कुंडों का पानी कभी ठंडा नहीं होता। आइए जानते हैं आखिर क्यों गर्म है इन कुंडों का पानी। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। नंबर एक है ओडिशा का अग्निकुंड। दोस्तों, ओडिशा का अग्निकुंड काफी प्रसिद्ध है। यह कुंड सल्फर युक्त गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। यह जलकुंड भुवनेश्वर से तकरीबन 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुंड के पानी का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस है। कुंड में स्नान करने से सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। नंबर दो है तीन कुंड और अलग अलग तापमान। दोस्तों, तुलसी श्याम कुंड जूनागढ़ से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें, यहाँ पर गर्म पानी के तीन कुंड हैं। खास बात यह है कि इन तीनों कुंडों में पानी तो गर्म रहता ही है, लेकिन तीनों में अलग अलग तापमान का पानी रहता है। इस कुंड के पास 700 साल पुराना रुक्मणी देवी का मंदिर स्थित है। नंबर तीन है बकरेश्वर जलकुंड। दोस्तों, इस कुंड में स्नान करने से दूर हो जाते हैं रोग। पश्चिमी बंगाल में स्थित बकरेश्वर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गर्म पानी के 10 कुंड हैं। इनमें अग्नि, भैरव, खीर, सौभाग्य, नरसिंह, पापहारा और सूर्य सहित अन्य कुंड स्थापित हैं। मानता है कि इनमें से किसी भी कुंड में स्नान करने से लोगों के सभी रोग दूर हो जाते हैं। नंबर चार है पाताल गंगा। दोस्तों, पटना के समीप राजगिरी को भारत का सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजवसु ने राजगिरी के ब्रह्मा कुंड परिसर में एक यज्ञ का आयोजन कराया था। इसी दौरान आए सभी देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में दिक्कत होने लगी। मान्यता है कि तभी ब्रह्मा जी ने यहाँ 22 कुंड और 52 जलधाराओं का निर्माण किया था। वे भारगिरी पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिर के बीच गर्म जल के कई झरने हैं। यहाँ सत्कर्णी गुफाओं से जल आता है। ब्रह्मकुंड यहाँ का सबसे खास कुंड है, इसे ही पाताल गंगा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कुंड कैसे लगे इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अच्छे रोचक वीडियो ला सके। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।